आज हम जिस विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा विटामिन है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी स्किन के रंग को साफ करता है, दाग धब्बों को कम करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ये आपकी स्किन पर, आपके फेस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करता है। और ना सिर्फ स्किन, ये आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका और आज हम जिस विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी आईज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को भी इंक्रीज करता है, इसलिए ये आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो आइए अब ये बात करते हैं कि विटामिन ई आपके शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, कितनी मात्रा में आपको विटामिन ई लेना चाहिए और विटामिन ई लेते हुए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए अब ये जानते हैं कि विटामिन ई आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये है कि विटामिन ई आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, क्योंकि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए विटामिन ई आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है और बहुत सारी जो डिजीजेज हैं उनके रिस्क को कम करता है। आइए हम बात करते हैं कि हर्ट के लिए विटामिन ई क्यों ज़रूरी है। विटामिन ई आपकी हर्ट डिजीज़ के बहुत सारे जो खतरे होते हैं उनको कम करता है। जैसे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा है, तो विटामिन ई इन सबको कम करता है और इसलिए ये आपको बहुत सारी हर्ट डिजीज से बचाता है। अगर हम विटामिन ई को ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के साथ लेते हैं तो ये इन सभी चीज़ों को कम करेगा और आपको हर्ट डिजीजेस से बचाएगा। आइए अब जानते हैं कि विटामिन ई लीवर के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, वो लोग जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, खास करके नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उन लोगों में ये लीवर इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर लीवर में कोई भी सूजन आ गई है उसको कम करता है, लीवर को क्लीन करने का काम करता है और लीवर फंक्शंस को विटामिन ई इम्प्रूव करता है। बालों के लिए विटामिन ई क्यों ज़रूरी है। अगर आपके बाल रूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, स्प्लिट एंड्स उसमें बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप कंघी करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं, तो ऐसे केसेस में जो भी आप रेगुलर ऑयल लगाते हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, उसके अंदर आप 1 या 2 कैप्सूल विटामिन ई के डाल लीजिए और फिर अपने स्कैल्प की आप मसाज कीजिए हल्के हल्के हाथों से। ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन देगा। अगर आपको डैंड्रफ है तो ये उसको भी कम करेगा और आपकी बालों की ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक मुझे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब बात ये करते हैं कि आपकी स्किन के लिए विटामिन ई क्यों ज़रूरी है। देखिए, विटामिन ई जो है एक ऐसा विटामिन है जो डार्क स्पॉट्स को, दाग धब्बों को कम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है जिसमें स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उस केसेस में विटामिन ई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको एक ग्लोइंग स्किन चाहिए, एक चमकदार स्किन चाहिए, तो उसके लिए आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना, उसके अंदर आप 2 या 3 कैप्सूल विटामिन ई के डाल देना और 2 या 3 ड्रॉप आपने नींबू के रस की डालनी है। इन सबको मिलाकर आपने अपने फेस और नेक पर 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप हल्के हल्के हाथों से उसकी मसाज कीजिए और ठंडे पानी से फेस को, नेक को वॉश कर लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया है आप हफ्ते में 2 बार करना और इसका रिजल्ट ना आपको खुद दिख जाएगा। इसके अलावा विटामिन ई आपके लंग फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है, ये आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इसलिए ये आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारे डिजीजेस से आपको प्रिवेंट करता है। विटामिन ई आपके नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके नेल्स को चमक देता है। अगर आपके नेल्स की जो चारों तरफ की स्किन है या जो क्यूटिकल्स हैं वो अगर ख़राब हो रहे हैं तो ये उनको ठीक रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अल्जाइमर्स डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आइए अब ये जानते हैं कि कितनी मात्रा में आपको विटामिन ई लेना चाहिए। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स को दिन भर में 4 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत होती है और वहीं फीमेल्स को 3 मिलीग्राम एक दिन में विटामिन ई की ज़रूरत होती है। आइए अब जानते हैं कि विटामिन ई लेते हुए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप नेचुरल फॉर्म में विटामिन ई ले रहे हैं, जैसे आप बादाम लेते हैं, मूंगफली लेते हैं, मैंगो खाते हैं, एवोकाडो लेते हैं, या फिर आप ब्रोकली, पालक या टमाटर का सेवन करते हैं, सनफ्लावर सीड्स लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल फॉर्म में विटामिन ई की गोलियां लेते हैं जो 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम में मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आप इनको लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें। फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, या अगर आप अपने बच्चे को विटामिन ई सप्लीमेंट्स देना चाहती हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में जमने लगता है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, अगर आप इसको अपने स्किन पर डायरेक्टली लगाते हैं तो कई लोगों की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, और विटामिन ई लगाने से उनकी स्किन पर रिएक्शन होने लगते हैं, स्किन पर एलर्जी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप स्किन के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप इसको किसी न किसी चीज़ में मिलाकर ही अपनी स्किन पर इस्तेमाल करें। आज का बोनस पॉइंट, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसमें आप सिंपली उसको हफ्ते में एक बार यूज़ करेंगे और वो आपके चेहरे के दाग धब्बों को भी हटा देगा, आपके चेहरे को चमक देगा, और अगर आपको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये कम कर देगा। उसके लिए आपको एक विटामिन ई कैप्सूल को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाना है, और दोनों को मिलाकर आपने अपने फेस पर 20 मिनट के लिए लगा देना है। 20 मिनट के बाद आप इसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करते हुए ठंडे पानी से वॉश कर लेना। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करना और 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।